दोनों साथ में बड़े प्यारे लग रहे हो आप. थैंक यू. राखी कैसी रही दोनों की? नहीं अलग अलग, आई मीन अभी दो दिन पहले राखी थी तो इसलिए पूछ रहा हूँ. ऐसा कुछ कैसे थी? अच्छी थी. आपको किसी ने राखी बांधी? नहीं, मेरी मतलब मैं, मेरी सारी बहनें बाहर है ना भी, तो कपिल की सारी बहनें यहीं आती हैं सेट पर हमारे गांव में है ना, बहुत सारी बहनें इसकी. मेरी तो होती भी नहीं, बन जाती पता नहीं. मेरे मुंह पे क्या भाई लगा हुआ? मेरा मुंह क्या बी से शुरू होता है? बॉयफ्रेंड पता नहीं बी से कि सी से. ट्रेलर में सुशांत बोलते कि कॉलेज में जो है कुत्ते कमीने दोस्त मिलते हैं. सुशांत श्रद्धा आपको कितने ऐसे दोस्त मिले हैं जब आप कॉलेज में पढ़ते थे? मेरे सारे दोस्त ऐसे थे. मैं भी वैसे ही था. अच्छा जी, मैं अच्छा स्टूडेंट था. मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ता था, लेकिन मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हॉस्टल से निकाल दिया गया. और अच्छे बिहेवियर के चलते, हाँ जी. हमारे हमारे कॉलेज में रूल था कि 7 बजे के बाद अगर आओगे हॉस्टल में तो एंट्री नहीं मिलती. हमारा भी यही था, 7 बजे के बाद आ ही नहीं सकते थे वापस. मैं कभी जा ही नहीं पाया वापस. तो फिर कहीं बाहर रहते थे? मतलब सुबह निकलता था फिर अगले सुबह आता था, क्योंकि 7:30. दिल्ली के कॉलेजेस में यही प्रॉब्लम थी क्या? आई वाज इन लेडी श्रीराम और वो भी 7 बजे, मतलब वहां पर गेट बंद हो जाता था. वाओ, आप कॉलेज गई हैं? अभी मैं कुछ क्या मारूं तेरे को यहां से. हाँ गई हूँ, तुझे तो पता भी नहीं होगा कॉलेज की स्पेलिंग क्या होती है. एक्सक्यूज मी, आई हैव डन पीजी डिप्लोमा इन कमर्शियल आर्ट्स बेब. वो होता है ना, मैं सीरियसली, मैं ना यूथ फेस्टिवल करता था तो मैं, सो आई वाज वेरी पॉपुलर. दूसरे कॉलेज से मुझे आया, बोलते आपको हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना. मैंने कहा ले लेते हैं. कहते कौन सा डिप्लोमा करोगे? मैंने कहा सबसे महंगा कौन सा है? कहते ये वाला है. तो मैंने कहा इसमें दे दो. पढ़ा बड़ा तो खैर क्या, पर ये है कि हाँ, पर महंगा क्यों? Why did you ask महंगा वाला? मैं कहा फ्री में एडमिशन है ना तो महंगा. अच्छा फ्री में था? फ्री में तो और आपको क्या लगता है मैं जेब से खर्च करके सबसे? अच्छा श्रद्धा जो है अपनी फिल्मों के लिए बहुत मेहनत करती है, आपने देखा होगा ABCD 2 में इन्होंने कितना कमाल का डांस किया था. सो प्राउड ऑफ यू. अरे थैंक यू सो मच. अभी सुना है बागी 3 के लिए ये एयर होस्टेस की ट्रेनिंग भी ले रही हैं. हाँ. तो छिछोरेपन की ट्रेनिंग ली कहीं से? अच्छा सुशांत ने ना अपने इंस्टाग्राम बायो में लिखा हुआ एलियन हंटर. हाँ. फैन इनकी लड़के हैं. कौन से एलियन है जिनका हंट करते हो आप? मुझे बचपन से बड़ा होके यही बनना था. बड़ा और कितना बड़ा हो गया आप? बड़ा होके मुझे ये बनना है, अब तो बन गए. मैं बचपन से ऐसे, मुझे जी एलियन, एलियंस और स्पेस बड़ा फैसिनेशन ना जी, तो मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज भेज दिया गया. तो मैं तीसरे साल इसलिए मैंने छोड़ा था, बदला लेने के लिए. You left? You did? Yeah, I left in the third year. So, 6th semester में जब 6 महीने दूर था तो मैंने छोड़ दिया. मैं एक बात बताऊं, ये तीनों हैं यहाँ पर जो बोले इसने छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया, इसने किया नहीं किया, लेकिन फेल पास. I mean, 3 such successful people sitting here, तो पास फेल का कोई किस्सा होना नहीं चाहिए एक्चुअली. थैंक यू. Look at the 3 of you. हाँ मतलब जो भी आप कर रहे हैं वो ईमानदारी से करें. Yeah. ये जरूरी है. Respect उसकी personality की, only chosen few were able to be part of or privy to that kind of behavior. She was very shy. Sorry, I'll speak in Hindi. I think she's prompting me. Ja bol doge to hame bhi samajh mein aa jayega. Hindi mein matlab aapke upar hai. Kapil, I can call you Kapil? Ji ma'am, mera naam hi hai. Ji matlab aur mere ko Hiralal bulayenge. आदत सी हो गई है अर्चना जी और कपिल जी बोलने की. अरे नहीं नहीं जी भी क्या, ठीक है अर्चना जी की, चलो एज है मेरा तो ठीक है. बोल 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 है, अभी क्या बोलूं. हाँ, है. यहाँ पे जितने भी हमारे दर्शक बैठे हैं मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आप जब कॉलेज में पढ़ते थे तो आपके आपके सबके ऐसे कोई दोस्त होते हैं जो छुछुरापंती करते हैं, तो किस किस के दोस्त ऐसे थे और वो क्या क्या करते थे? हेलो कपिल सर. हेलो. हेलो अर्चना मैम. तिवारी जी प्रणाम. सर मेरा नाम अंजलि तिवारी है. अच्छा जी. सर ऐसा तो हम सब जानते हैं कि कॉलेज लाइफ बिना छिछोरेपन के बहुत ही बेकार होती है. हाँ जी.
तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने लाइफ के काफ़ी टाइम तक मैं बहुत ही डिसिप्लिन्ड और बहुत ही सरल स्टूडेंट रही हूँ। अच्छा जी, एक दिन आया ऐसा मनहूसियत वाला, आप जानते हो वो आता ही है सबके लाइफ। मैं नहीं जानता तो अब आप जान जाओगे। अच्छा, क्या हुआ तो वो दिन आप जानते हो कि स्लैप डे जो वैलेंटाइंस वीक में आता है, स्लैप डे, दिस इज स्लैप डे, लाइक एक्चुअली पीपल स्लैप ईच अदर इन इंडिया। अच्छा, स्लैप डे भी होता है, मतलब कैसा हो कि आज कम हाई स्लैप डेट, ये भी होता है। तो उस दिन स्लैप डे था, मैं काफी लैब में प्रैक्टिकल्स वगैरह करके निकली थी और मैं अपने प्रैक्टिकल्स के लैब मैनुअल के इंस्ट्रक्शंस अपने फ्रेंड को सुना रही थी। वो बेचारा इतना छोटा है हाइट में, मैंने ऐसे करके उसको कुछ बोला, प्रिंसिपल को दूर से लगा कि मैं उसको रैप्टा दे रही हूँ। अच्छा, बट मैंने नहीं दिया था, मैं बहुत ही सरलता से उससे बात कर रही थी। प्रिंसिपल को आया गुस्सा, उन्होंने मेरे को सस्पेंड कर दिया फॉर द डे। मेरा माथा बिल्कुल गर्म हो गया कि ऐसे कैसे, आज तक का रिकॉर्ड क्लीन चिट रहा है, मेरे को कैसे सस्पेंड कर दिया इन्होंने। फिर मैंने मोर्चा उठा लिया कि अब पनिशमेंट मिली है, कुछ किया नहीं, अब कुछ करना पड़ेगा वरना अंदर का खून शांत नहीं होगा। तिवारी जी ऐसे होते तिवारी, बट उसे सर तिवारी ब्राह्मण होते हैं, बट उस दिन मेरे अंदर का राजपूत जाग गया था, पता नहीं कैसे। एक तिवारी इतने शांत, दूसरे सर तिवारी गर्म ही होते हैं जनरली। अभी ये सरल है। तो फिर मैंने बाकी लड़के जो हंस रहे थे कि ये सबसे डिसिप्लिन स्टूडेंट है, ये पनिश हो रही है, वो हंस रहे थे मेरे ऊपर। अच्छा, मेरा माथा हुआ खराब, ये बड़े बड़े हाथ लेकर के सुबह से शाम तक रैप्टे पे रैप्टे मारे मैंने, बड़ा मजा आया। उसके बाद मैं सबको रैप्टे से डरा के रखती हूँ सर। उसके बाद से मैंने हर तरह की छिछोरेपन ट्राई किया हुआ है, बिकॉज डिसिप्लिन में रहने से कुछ तो मिला नहीं मुझे, पनिशमेंट मिली उसके बाद से सिर्फ। आप छिछोरे बन गए। शादी हुई आपकी? यस सर। कितनी शादी हो गई आपकी? नहीं सर, मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ मास मीडिया की। अच्छा जी, बॉयफ्रेंड है कोई आपका तिवारी जी? नहीं सर, अभी तो नहीं है। ये बात सुनने के बाद मुझे लगता नहीं कोई नहीं, नहीं, कुछ नहीं होगा। रैप्टे पे रैप्टा दे, रैप्टे पे रैप्टा देना है सर, बस सर हाथ देख लो, साइज देख लो। मेरे को क्यों दिखा रही, मैंने क्या किया? नथिंग सर, यू आर सेफ। तिवारी जी शुक्रिया अपना किस्सा शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके, धन्यवाद। वरुण ने ना फर्स्ट टाइम फुकरे रिटर्न्स में किस किया, कैसा लगा माताजी को ये सीन देख के? बट एक्चुअली बताऊँ, उस टाइम पे जनरली ऑन स्क्रीन पहली केस थी वो, बट ना पूरी ऐसी हम फिल्म देख रहे थे मम्मी के साथ में, फिल्म देख रहे थे, जैसे मम्मी कहते हो, उनको पता नहीं था क्लाइमेक्स में था। मैंने कहा, फिर बाद में मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, आपने हो क्यों बोला? कहते नहीं बेटा, अच्छा ही लगा ना खुद को देखते हुए बच्चा ऐसे ऑन स्क्रीन। माँ को कभी थोड़ी लगता बच्चा बड़ा हो गया। हाँ, तो माँ को भी वही लगा, तो उनका एकदम से हो रिएक्शन आया था। बाकी सारे हंस रहे थे, मम्मी हो कर रहे थे। अच्छा, किससे याद आया, नवीन ने एक फ्रेंच सीरीज में भी काम किया है। इस बात के लिए ताले बनती है।